हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में, जिसमें हमने स्टडी किया था कि जब मेटल और लिगेंड की बॉन्ड बनती है तो उसे हम वहाँ पे आयनिक बॉन्ड कंसीडर करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अज्यूम करके चलती है कि जो मेटल और लिगेंड्स हैं दे आर पॉइंट चार्जेस और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होती है दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, बिकॉज किसी भी चार्ज पार्टिकल में जो भी इंट्रैक्शन होगी दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन। और क्योंकि उन्होंने मेटल को पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स माना था और लिगेंड्स को नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स माना था, तो वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन उन्होंने कंसिडर की है दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि जब लिगेंड मेटल के क्लोज आते हैं तो उनके जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, ठीक है। जो ऑर्बिटल्स लिगेंड की डायरेक्शन में होते हैं वो क्या करते हैं, हाई एनर्जी हो जाते हैं, और जो ऑर्बिटल्स लिगेंड्स की डायरेक्शन में नहीं होते हैं वो क्या हो जाते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है वो लो चली जाती है, ठीक है, वो स्टेबलाइज हो जाते हैं। और डी ऑर्बिटल जो जिनको हम डी जनरेट ऑर्बिटल कहते हैं, जिनकी एनर्जी का लेवल जो होता है सेम होता है, ठीक है, आफ्टर स्प्लिटिंग जो उनके अंदर स्प्लिटिंग हो जाती है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है, और जो उनकी एनर्जी की स्प्लिटिंग होती है उसे हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं, मींस कुछ मेटल्स हमारे पास ऐसे होंगे जिनमें डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा, किसी में दो होंगे, किसी में सात होंगे, किसी में दस भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ द मेटल आयन, ठीक है। तो जब उनके अंदर उस स्प्लिटिंग होगी लिगेंड की वजह से, तो तब जो स्प्लिटिंग की वजह से उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, मींस कि जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आफ्टर स्प्लिटिंग, ओके, तो वो किस तरीके से होगा और उनकी उस वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक जो है डी कन्फिग्रेशन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हमारे पास कोई एक ऐसा मेटल है जिसके अंदर हमारे पास डी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले D1, D2 और D3, मींस ऐसे कोई मेटल्स जिनके अंदर डी ऑर्बिटल में या तो एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन हो या फिर तीन इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास क्या है, किसी मेटल आयन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी वो हम बात करते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं, और तीन ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, हमारे पास लो एनर्जी ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, ठीक है। नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स हैं इनको हम T2g नाम देते हैं और जो ऊपर वाले ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हम EG नाम देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इनकी जो है एवरेज एनर्जी होती है ऑर्बिटल्स की, जिसको हम बैरिसेंटर भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी एनर्जी है दैट इज़ डेल्टा नॉट, ओके, और ऊपर वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी होती है हमारे पास, इंक्रीज हो जाती है, दैट इज प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, ओके, और नीचे वाले ऑर्बिटल्स की एनर्जी कितनी होती है, माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, क्लियर। अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है डी में तो अकॉर्डिंग टू रूल वो क्या करेगा, पहले लो एनर्जी ऑर्बिटल को फिलअप होगा, मीन्स इन तीनों ऑर्बिटल्स में से किसी एक ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास उस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी वो क्या होगी, T2g1 हो जाएगी। ये तो बात आती है जब हमारे पास D1 का केस है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, किसी मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तब क्या होगा, बिल्कुल सेम उसी तरह से वो भी क्या करेगा, लो एनर्जी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि हंट्स रूल ही कहता है कि हर ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन फेल नहीं हो जाएगा उसके बाद क्या है, पेयरिंग होगी या फिर वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ये तो बात है D1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, T2g1, ठीक है। अगर हमारे पास D2 इलेक्ट्रॉन है, मींस दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, T2g2 हो जाएगी, ओके। अगर हमारे पास D3 कॉन्फ़िगरेशन है तो उस केस में हमारे पास तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो भी थर्ड जो लो एनर्जी ऑर्बिटल है उसमें जाएगा, तो उस केस में हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है D3 के केस में वो क्या हो जाएगी, दैट वुड बी दी T2g3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास
ये कॉन्फ़िगरेशन आती है तो वहाँ पे हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, जिसे हम सिंपली CFSE लिखते हैं, ठीक है, वो क्या होगी। अब क्योंकि हमें पता है भी एक ऑर्बिटल की जो स्टेबलाइजेशन है हमारे पास एनर्जी है, दैट इज़ -0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। तो D1 के केस में तो हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी वो कितनी होगी, -0.4 डेल्टा नॉट, क्लियर, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब बात करते हैं D2 की, इस केस में जो हमारी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू 2 × −0.4 डेल्टा नॉट, दैट इज -0.8 डेल्टा नॉट, क्लियर। अब बात आती है जब हमारे पास D3 कॉन्फ़िगरेशन है, मींस T2G3 है, तो उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी दी 3 × −0.4 डेल्टा नॉट, दैट वुड बी इक्वल टू -1.2 डेल्टा नॉट, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में गया, तो इसके अलावा हमारे पास कोई और केस हो ही नहीं सकता, तो ये हमारी रहेगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन, दैट वुड बी दी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ D2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दैट वुड बी दी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ दी D3 कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और ये हमने उनकी जो न्यू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अब हम इसको इस टर्म में लिखेंगे, ओके। यहाँ तक तो सिंपल है, बात आती है जब हम D4 की बात करते हैं, ठीक है। तो D4 के केस में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जब हमारे पास D4 का केस आता है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होती है, वो कैसे, अब ये रहे हमारे पास EG ऑर्बिटल्स और ये रहे हमारे पास T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये हमारा बैरी सेंटर है, ओके। अब दो केस मैंने कहा यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या हो सकती है, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉसिबिलिटी की बात करते हैं कि हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन्स ने लो एनर्जी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। अब रह गया फोर्थ इलेक्ट्रॉन, उसके पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो वो क्या करेगा, लो एनर्जी ऑर्बिटल में किसी भी एक ऑर्बिटल में क्या करेगा, पेयरिंग करेगा, या फिर वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अब हम दोनों केस लेते हैं, सबसे पहले हम केस लेते हैं यहाँ पे हम पेयरिंग करते हैं, अब इन जैसे किसी में भी वो क्या कर सकता है, पेयरिंग कर सकता है। अगर ये ऐसा केस होगा, फर्स्ट केस में अगर क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है, मीन्स वहाँ पे हमें पेयरिंग एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे पेयर कराना है, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास D4 के केस में जो हमारा फर्स्ट केस है, उस केस में हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी, दैट वुड बी दी T2G4, ठीक है। और अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो वो कितनी रहेगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन दिस केस वुड बी इक्वल टू 4 × −0.4 डेल्टा नॉट प्लस पी, अब यहाँ पे पी क्या है, दैट इज़ दी पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो दैट वुड बी इक्वल टू −1.6 डेल्टा नॉट प्लस पी, दैट इज़ दी पेयरिंग एनर्जी। अब सेकेंड केस की बात करते हैं, अब यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, दैट आर दी EG ऑर्बिटल्स और दीज आर दी T2G ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैरी सेंटर, ओके। अब तीन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ऑक्यूपाई हो गए हैं, ठीक है। अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या करेगा, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जा सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो उस केस में हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास, दैट वुड बी दी T2G3 and EG1, ओके। तो इस केस में अगर हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते हैं तो वो क्या रहेगी, दैट वुड बी इक्वल टू 3 × −0.4 डेल्टा नॉट प्लस, अब यहां पे कितनी है, 0.6, ओके। तो दैट वुड बी इक्वल टू 0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू −1.2 डेल्टा नॉट प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, दैट वुड बी इक्वल टू −0.6 डेल्टा नॉट, ठीक है। ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, ओके। अब ये दो पॉसिबिलिटी होंगी कैसे, कैसे पता चलेगा भी जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग करेगा या फिर हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। इसे हम डिस्कस करते हैं, मैं ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ सब कुछ। अब ये जो जो दो सिचुएशंस हैं, जैसे मैंने बात की है कि ये कब होंगी, देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं जो हमारे पास D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इनिशियली जब एक लेवल पे पड़े हुए तो इस तरीके से है, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे ड्रॉ करने वाला हूँ भी, क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास दो ईजी ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ पे हमारे पास टी टू जी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी मैं इस साइड पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ओके। ये पॉसिबिलिटी है, व्हाट इज दिस, दिस इज द डेल्टा नॉट, यहां पे भी क्या रहेगा, ये डेल्टा नॉट, ठीक है। अब ध्यान देना यहां पे, अगर तो हमारे पास डेल्टा नॉट जो है उसकी वैल्यू जो हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं, इफ दैट इज ग्रेटर देन द पेयरिंग एनर्जी, ठीक है, अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पेयर अप करना पसंद करेगा, ओके। अगर हमारे पास डेल्टा नॉट की वैल्यू इफ इट इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, देन वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा। वो क्यों, क्योंकि अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू मीन जो डिफरेंस है वो कम है तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली क्या करेगा, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब यहां पे अगर हम देखें इस केस में हमारे पास जो डेल्टा नॉट है और इस केस में जो डेल्टा नॉट है उसमें क्या हो रहा है, यहां पे डेल्टा नॉट की वैल्यू उस केस में से कम है तो इस केस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाना पसंद करेगा। तो क्या इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन रह जाएगा यहां पे, इस तरीके की हमारे पास इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट हो जाएगा, ठीक है। इस केस में जो कि डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहीं पे पेयर अप होना पसंद करेगा, ठीक है, और वी कैन से भी इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर ना जाके वो नीचे ऑर्बिटल में सेट हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी वो क्या हो जाएगी, T2G4, और इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगी, दैट वुड बी दी T2G3 एंड EG1, ठीक है। ये तो बात थी D4 की, अगर हम बात करते हैं D5 की तो उसमें भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, क्यों, क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी यहाँ पड़े हुए हैं, अगर हम तीन इलेक्ट्रॉन को यहाँ फिल कर देते हैं, अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी केस में पॉसिबिलिटी क्या है कि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर जा सकता है। तो बिल्कुल इस तरीके से हमारे पास D5, D6 और D7 का केस भी हमारे पास दो दो पॉसिबिलिटी के साथ चल सकता है। अब बात हमने जैसे की है, अभी हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट की है, ठीक है। अगर पेयरिंग होती है तब कितनी आई, दैट इज -1.6 डेल्टा नॉट प्लस पी, और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाता है उस केस में, दैट इज -0.6 डेल्टा नॉट। और इसी तरह से अगर हमारे पास पांच इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या होगा उस केस में, बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है, बिल्कुल वही सिचुएशन। अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन पी है, देन इलेक्ट्रॉन पेयर अप करना पसंद करेगा। अगर हमारे पास डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या है, लेस है, देन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर बात करते हैं D6 की, तो D6 में भी केस सेम है, क्योंकि D5 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गई। अब 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी क्या है, वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे केस की बात करते हैं तो वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, ये दो पॉसिबिलिटी रहेंगी, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं D7 की, तो D7 में क्या होगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है, और इस केस में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊपर जाएगा, ओके। अगर हम बात करते हैं D8 की, तो D8 में अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल दें और उस केस में इलेक्ट्रॉन वहाँ पे डाल दें, तो आप देखोगे कि दोनों क्या है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है। तो मीन्स D8 में एक ही पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी भी एक कॉन्फ़िगरेशन में जा सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे सेम चीज़ होगी, वहाँ पे पेयरिंग भी होगी, क्योंकि तीनों ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम दो दो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो 6 ऑर्बिटल नीचे रहेंगे, तो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऊपर ही जाएंगे। वहाँ पे सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी होगी। इसी तरह से D9 में और D10 में भी क्या रहेगी, सिंगल पॉसिबिलिटी रहेगी, क्लियर। तो ये है हमारी बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल्स में आइदर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, तो इस तरीके से हम हर किसी मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं बहुत इजीली, और उनकी हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द मेटल आयंस विद D1, 2
D10 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टेट कॉम्प्लेक्सेस मीन्स अगर हमारे पास D1 से लेकर D10 अगर हमारे पास किसी भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हमने निकालनी है ऑक्टेट कॉम्प्लेक्सेस के केस में। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास डेल्टा नॉट इज़ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अप करना पसंद करेंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास डेल्टा नॉट की वैल्यू लेस देन है पेयरिंग एनर्जी से तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाना पसंद करेंगे। ठीक है, दो केसेस हमने डिस्कस किए थे। सेंटर में हमने दिखाया था कि डी जनरेट ऑर्बिटल्स जो है एक ही लेवल पे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है वहाँ पे हमारे पास, हमने इस तरीके से दिखाए थे। अगर हमारे पास बात कर रहे हैं कि चार हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे तो उस केस में हमने देखा था भी ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती थी हमारे पास भी, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं यहाँ जा रहे हैं और इस तरह से हमारे पास स्प्लिटिंग हो रही है। और दूसरी पॉसिबिलिटी में हमने दिखाया था कि जो स्प्लिटिंग है वो बहुत कम हो रही है। ठीक है, उस केस में हमारे पास जो डेल्टा नॉट की वैल्यू है दैट इज़ वेरी वेरी लेस। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा नॉट की वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब ये सिचुएशन क्यों आती है वो हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास क्या हो डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या है पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर अप करेंगे। क्यों करेंगे, मींस अगर डेल्टा नॉट की वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर करेंगे। पेयर क्यों करेंगे, बिकॉज ऑफ द लिगेंड। ठीक है, और ये डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा भी क्यों आई, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द लिगेंड। मीन्स अगर जो लिगेंड्स हमारे पास स्ट्रॉन्ग है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा इन ऑर्बिटल्स को बहुत ज़्यादा स्प्लिट कर देगा। अगर स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या करेगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पेयर करना पसंद करेंगे। ओके, मीन्स अगर हमारे पास किसी भी लिगेंड का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड कह देते हैं। मीन्स अगर लिगेंड्स क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है उस केस में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पेयर अप करना पसंद करेंगे। अगर कोई लिगेंड ऐसा है जिसका फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है उसे हम वीक फील्ड लिगेंड कहेंगे। ठीक है, उस केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, पेयर अप करना नहीं पसंद करेंगे, वो क्या करेंगे ऊपर जाना पसंद करेंगे, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो उन लिगेंड्स को हम वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं। वीक फील्ड लिगेंड के केस में अगर हम बात करें, अगर जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर हम की डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं तो हमने क्या देखा था कि अगर तुम्हारे पास डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा है उस केस में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, पेयर अप करना पसंद करते हैं। और अगर हमारे पास क्या है अभी वीक फील्ड लिगेंड है उस केस में हमारे पास क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करता है ऊपर जाना पसंद करता है। अब यहाँ पे हमने एक गौर करना चाहिए यहाँ पे कि जब हमारे पास डेल्टा नॉट की वैल्यू ज़्यादा है मीन जब हमारे पास फील्ड क्या है लिगेंड्स का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे पास कम हो रहे हैं। मीन्स कम्प्लेक्स क्या होगा उस टाइम पे, लो स्पिन कम्प्लेक्स होगा। ओके, अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है उस केस में इलेक्ट्रॉन्स जो है डी ऑर्बिटल के वो पेयर अप नहीं होंगे, वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे, मैक्सिमम रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस बोलेंगे। ठीक है, वहाँ पर जो कम्प्लेक्सेस बनेंगे वो क्या होंगे, हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस होंगे। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द मेटल लाइन्स विद D1 to D10 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं वीक फील्ड। अगर इलेक्ट्रॉन, अगर लिगेंड्स का फील्ड जो है वीक है उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, और अगर उसी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में अगर हमारे पास लिगेंड का जो फील्ड है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर हमारे पास D1 सिस्टम है तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे कि ये हमारे पास अपर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास लोअर ऑर्बिटल्स हैं। ओके, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, नीचे वाले किसी भी ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करेगा अपने आप को। ठीक है, ये T2g है और ये EG है। उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, नीचे वाले ऑर्बिटल की जो CFSE होती है दैट इज़ -0.4 डेल्टा नोट, ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया है। ठीक है, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब भी हमारे पास एक ही सिचुएशन है तो सेम वही बात रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम
छोड़ सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज दोनों के केस में हमारे पास वैल्यू सेम ही रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है डी टू की। उस केस में हमारे पास दो ऑर्बिटल्स ऊपर हैं, तीन ऑर्बिटल्स हमारे पास नीचे हैं, ठीक है, ई जी एंड टी टू जी। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, लोअर ऑर्बिटल्स में। तो उस केस में हमारे पास 2 × −0.4 डेल्टा नोट, दैट इज −0.8 डेल्टा नोट वैल्यू होगी वीक फील्ड के केस में। अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड, हमारे पास अगर कोई लिगेंड है तो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी ऑर्बिटल में ही जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में भी हमारे पास क्या रहेगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात D3 की। D3 के केस में भी सेम, हमने पहले भी स्टडी किया है कि एक ही पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन्स जो है लो एनर्जी ऑर्बिटल में रहेंगे, ठीक है, ओके, चाहे वो वीक फील्ड लिगेंड है चाहे फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो उस केस में हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, वो सेम ही रहेगी। तो उस केस में 3 × −0.4 डेल्टा नॉट, ओके, तो कितना आ जाएगा ये, −1.2 डेल्टा नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यू सेम रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं D4 की। अगर D4 का केस है तो हमारे पास यहाँ पे ये दो ऑर्बिटल्स हैं EG, ये तीन ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, T2G। अब बात आती है वीक फील्ड। वीक फील्ड के केस में क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाना पसंद करते हैं, ठीक है, तीन ऑर्बिटल तो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तीन इलेक्ट्रॉन जो है लो एनर्जी T2G ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई हो जाएंगे। फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, वो हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। क्यों, क्योंकि वीक फील्ड है, वीक फील्ड के केस में उनकी स्प्लिटिंग क्या हो, ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, तो डेल्टा नोड की वैल्यू क्या रहेगी, वहाँ पर लेस रहेगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या है, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में ईजिली शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो हमारी CFSE रहेगी वो कितनी रहेगी, दैट वुड बी दी 3 × −0.4 डेल्टा नोट प्लस 0.6 डेल्टा नोट, एंड दैट वुड बी इक्वल टू −1.2 डेल्टा नोट प्लस 0.6 डेल्टा नोट, तो दैट वुड बी इक्वल टू −0.6 डेल्टा नोट, ठीक है। अगर बात करते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करेगा, इनकी स्प्लिटिंग उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम शो कर सकते हैं कि ये जो है हमारे पास हाई एनर्जी ऑर्बिटल, दैट आर EG ऑर्बिटल्स हैं, और ये क्या है हमारे पास यहाँ पे स्टेबलाइज्ड ऑर्बिटल, दैट इज T2G ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है, तीन इलेक्ट्रॉन तो लो एनर्जी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई कर लेंगे। अब बिकॉज कि फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, उस केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होने की वजह से जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर ना जाके नीचे वाले किसी भी एक ऑर्बिटल में अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। उस केस में जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी वो हमारी क्या रहेगी, दैट वुड बी इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं हम, चार ऑर्बिटल्स हैं तो 4 × −0.4 डेल्टा नोट प्लस पी आ जाएगा यहाँ पे, तो दैट वुड बी इक्वल टू −1.6 डेल्टा नोट प्लस पेयरिंग एनर्जी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हमारे पास D5 कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, मींस अगर D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वहाँ पे लिगेंड का जो फील्ड है इफ़ इट इज़ वीक, उस केस में हमारे पास दो ऑर्बिटल तो जो है EG ऑर्बिटल्स और तीन ऑर्बिटल्स हमारे पास जो हैं T2G ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो फील्ड क्या है हमारे पास, वीक है, स्प्लिटिंग कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो उस केस में अगर हम कैलकुलेट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, वो क्या रहेगी, दैट वुड बी दी 3 × −0.4 डेल्टा नोट प्लस 2 × 0.6 डेल्टा नोट, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ पर, −1.2 डेल्टा नोट प्लस 1.2 डेल्टा नोट, और इट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या रहेगी, 0 हो जाएगी। अब बात करते हैं अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, अगर फील्ड जो है लिगेंड्स का वो स्ट्रॉन्ग है, उस केस में हमारे पास जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएंगे और जो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो T2G ऑर्बिटल्स हैं और ये EG ऑर्बिटल्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन की ऑक्यूपेंसी किस तरीके से होगी, भी तीन
इलेक्ट्रॉन्स तो लो एनर्जी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे, उसके बाद जो दो इलेक्ट्रॉन्स रह गए वो भी क्या करेंगे, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स में ही जाएंगे, बिकॉज डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो वो ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। तो नीचे चले जाएंगे, तो उस केस में हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है दैट वुड बी इक्वल टू प्लस 2p। अब 2p क्यों लिखा हमने, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है वहाँ पे, पेयरिंग हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे 2p आ जाएगा। तो दैट वुड बी इक्वल टू माइनस 2.0 डेल्टा नोट प्लस 2p, ठीक है। तो ये तो बात थी D5 की। अब नेक्स्ट हम करते हैं D6 से D10 कॉन्फ़िगरेशन में। अब नेक्स्ट बात करते हैं D6 की। तो D6 अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और फील्ड जो है वीक है, तो उस केस में हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, बहुत क्लोज होंगे, मींस डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या रहेगी, लेस रहेगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है इनिशियली क्या करेंगे, तीन इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ऑक्यूपाई हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, उसके बाद क्या होगी, पेयरिंग होगी, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, 4 × −0.4 डेल्टा नॉट, ओके, प्लस 2 × 0.6 डेल्टा नॉट, ओके, प्लस पी, मींस ये तो आ गया हमारे पास यहाँ पे −1.6 डेल्टा नॉट प्लस 1.2 डेल्टा नॉट प्लस पी, ठीक है। तो इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दैट वैल्यू विल बी −0.4 डेल्टा नॉट प्लस पी, ओके। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो ईच ऑर्बिटल ऑफ T2g लेवल विल ऑक्यूपाई 2 इलेक्ट्रॉन ईच, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास 6 × −0.4 डेल्टा नॉट प्लस 3p, दैट इज −2.4 डेल्टा नॉट प्लस 3p क्या रहेगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी रहेगी, ठीक है। और अगर हम कैलकुलेट करते हैं D7 की, तो उस केस में ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, ओके। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दैट वुड बी दी 5 × −0.4 डेल्टा नोट प्लस 2 × 0.6 डेल्टा नोट प्लस 2p, ओके। सो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम, तो दैट वुड बी दी −2.0 डेल्टा नोट प्लस 1.2 डेल्टा नॉट प्लस 2p, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट वुड बी इक्वल टू −0.8 डेल्टा नॉट प्लस 2p, ठीक है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में, तो क्या होगा, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, पहले तो होगी उनमें पेयरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाई एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाली जो वैल्यू है हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, −2.4 डेल्टा नॉट प्लस 0.6 डेल्टा नॉट प्लस 3p, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.4 में से अगर हम माइनस करेंगे 0.6 को, तो इट वुड बी −1.8 डेल्टा नॉट प्लस 3p, ठीक है। इसी तरीके से हम D8, D9 और D10 की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे भी अगर हमारे पास वीक फील्ड लिगेंड है, तो उस केस में D8 कॉन्फ़िगरेशन में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो तो उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ठीक है। इस तरीके से D9 और D10 का भी आप कैलकुलेट करेंगे, ओके।
दोनों केस में आपने कैलकुलेट करना है और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि D8, D9 और D10 में वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी और स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। आई होप कि आप अपने आप इसको सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ओके, तो ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास चार लिगेंड्स हों और ज्योमेट्री अगर हमारे पास टेट्राहेड्रल हो तो उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है डी ऑर्बिटल्स की वो किस तरीके से होती है और उनकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।